राहुल जी से दोस्ती वो अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती से कैसे घबराए थे सोचिए। कौन घबराया था? बीजेपी के लोग। आप ये बताइए, बीजेपी 40 से ज्यादा दल के साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या हम 2-3 दल एक साथ नहीं हो सकते? देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। इस बीजेपी ने निराश किया जनता को, धोखा दिया है कि बीजेपी दोबारा नहीं लौट रही। बीजेपी ने जहां पर प्रयोगशाला कर करके इंसान से इंसान को लड़ा दिया वहां हार गए। तो नौकरियां कहां हैं, विकास कहां है, काम कहां है, आखिरकार बताना तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इंडिया टुडे के माइंड रॉक्स इवेंट में महागठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के साथ अपनी दोस्ती के भविष्य पर रोशनी डाली। राहुल जी से दोस्ती वो अच्छी दोस्ती थी। एंड ऑफ स्टोरी। चुनाव इतिहास। मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं, अभी जल्दी क्यों भागते हो? अभी तो बात गठबंधन की, आप ही कह रहे थे कि राहुल जी को साथ, उस समय दोस्ती अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती से कैसे घबराए थे सोचिए। कौन घबराया था? बीजेपी के लोग। सर जीते तो वो चुनाव, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि जीत जाएंगे, उनको नहीं पता था कि जीत जाएंगे, क्योंकि हालत हमने देखी है उनकी। सवाल से हट गए। आपने कहा कि राहुल गांधी से दोस्ती थी, मतलब एंड ऑफ स्टोरी। फॉरगेट इट। मैं नहीं, फॉरगेट इट क्यों? ये बहुत बड़ी हेडलाइन है सर, अभी आज तक पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी, फिर आप बोलोगे कि मेरी बात को। मैं उस तरह का नौजवान हूँ जो एक बार दोस्ती कर लेता है, छोड़ता नहीं है दोस्ती। राहुल गांधी की दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन मायावती से महागठबंधन का क्या? अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साइकिल की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। मुझे ये बताइए, जब आप मायावती जी से मिलते हैं तो वो मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में वही होता है जब आप अपने किसी के साथ मिलते होंगे। ये क्यों बता दूं मैं मीटिंग में क्या हम फैसला लेंगे? आप ये बताइए, बीजेपी 40 से ज्यादा दल के साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या हम 2-3 दल एक साथ नहीं हो सकते? अच्छा, तो आप साइकिल चला रहे हैं या बुआ जी साइकिल चला रहे हैं? आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है? अब ये भी बात भूल जाइए। क्यों? आजकल फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, पैडल मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। इस बीजेपी ने निराश किया जनता को, धोखा दिया है और भ्रष्टाचार के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर गुमराह कर दिया। अब तो कम से कम पढ़े लिखे लोग जागरूक हो गए हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। अखिलेश यादव वैसे तो महागठबंधन के सवालों का सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन जब सवाल योगी सरकार को लेकर पूछा गया तो अखिलेश यादव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी का हाल वैसा ही होगा जैसा कैराना और गोरखपुर में हो चुका है। अभी यूपी का रिजल्ट आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार गए हों, उप मुख्यमंत्री हार गए हों, बीजेपी ने जहां पर प्रयोगशाला कर करके इंसान से इंसान को लड़ा दिया वहां हार गए। तो जनता तो तैयार है इनको हराने के लिए, ये घूम रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ये तारीख बताएं, क्योंकि सवाल किसान का है। ये कहते हैं एमएसपी दे रहे हैं हम। हमने पूछा कि आलू के लिए कहां एमएसपी दी आपने, एक बता दो हमें। अभी मक्के की फसल खत्म हो गई, आप बताओ कहां पर आपने एमएसपी दी है? आप बताइए कि नौजवानों को आपने कहा, हमने नहीं कहा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी दी जाएगी। बताओ कितनी नौकरी दे दी आपने? अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि महागठबंधन का कोई एक चेहरा तो है नहीं, तो उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने यही सवाल उल्टा बीजेपी पर उछाल दिया। इस वक्त मालूम है ये सवाल किसको पूछना है, आपने प्रधानमंत्री से पूछना है, आपने बीजेपी के अध्यक्ष से पूछना है, आपने यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना है। अगर आप लोग सरकार में आ गए तो ये कैसे समझ में आएगा कि सवाल किससे पूछना है? बुआ जी से पूछना है, भतीजे से पूछना है, स्टेपनी पे बैठे वाले से पूछना है, कैसे पता चलेगा? ये घबराइए मत, घबराइए इसलिए घबराइए नहीं कि बीजेपी दोबारा नहीं लौट रही। आप मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े ग्रुप में आपका कौन है प्रधानमंत्री? हम बीजेपी से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, बीजेपी का कोई नया प्रधानमंत्री बता दो हमें।
नए की क्या जरूरत है, बैठा तो है, इतना मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक। और नए के लिए इसलिए जरूरत है, उनके दो बड़े फैसले, दो बड़े फैसले। यहां जितने बच्चे आए बैठे होंगे, यादगार के लिए तो 500,000 रुपए बचे होंगे पुराने, वरना किसी की जेब में नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सबके निकलवा लिए। और क्या कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये देश के लोग नहीं समझे, गरीब को लगा कि शायद पैसा आ जाएगा, 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। बीजेपी के लोग जाएं इस बार गांव में, देखते हैं कितना 15 लाख रुपए किससे पूछा जाएगा, कि 15 लाख रुपए कहां हैं, आप दीजिए, उसका जवाब क्या देंगे। अखिलेश यादव ने तो ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया है, जाति धर्म के आधार पर बांटकर वोट बटोरे, लेकिन अब की बार वो बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने ये कहा कि यूपी का चुनाव कम्युनल एज पे लड़ा गया, क्या आप उम्मीद करते हैं बीजेपी ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया था, लोग लोगों को मार दें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर ये 2017 में हुआ और 2019 में हुआ तब आप कैसे इसको टैकल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आप? 2019 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्हीं का फार्मूला हमने समझ लिया है, अब उन्हीं का फार्मूला हम उन्हीं पे लगा दे रहे हैं। क्या है उनका फार्मूला? तो हार गए वो। अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार और योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन देश में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार जीत कर आई है। इस बात पर अखिलेश यादव ने सफाई दी कि वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाए। आपसे लगता है मार्केटिंग उनकी बेटर है? नहीं, मार्केटिंग ये शब्द मुझे अच्छा लगा आपका, मेरा नहीं है। ये शब्द इसलिए अच्छा लगा, आपने हकीकत बोल दी, सच्चाई बोल दी। मार्केटिंग कैसे होती है ये मुझे भी गुण बताओ कि आखिरकार मार्केटिंग कैसे होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके आए, वहां मार्केटिंग सीखे थे इंजीनियरिंग के साथ साथ। हाँ, ये भी अच्छा कह दिया आपने, तो इसका मतलब हमारे पास फंड्स होने चाहिए मार्केटिंग के लिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी और इतना दिल्ली सरकार ने बजट रखा है पैकेज, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी। मैं चाहूंगा कि वो मार्केटिंग हम भी सीख लें और ज्यादा दिखाई दें टीवी पर। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।